बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुलजलाल के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ, जो रहमान और रहीम है। प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। महबूब हर हाल में हसीन होता है, क्योंकि हुसन तो देखने वाले का नज़रअंदाज है। बुरा वक्त वो शफाफ आईना है, जो बहुत से चेहरे वाज़े कर देता है। बाप की मौजूदगी सूरज की मानिंद होती है। सूरज गर्म तो ज़रूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो खलूसे नियत शर्त है, क्योंकि सच्चा मुरीद छोटे मुर्शिद से कुछ पा लेता है, लेकिन छोटा मुरीद सच्चे मुर्शिद से कुछ भी नहीं पाता। लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हो जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा कर, और तुम्हारे लिए सभी लोग अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद ना रखो। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। दुनियादारों पर अपने दुख मत जाहिर करो, ये वहां चोट जरूर लगाते हैं जहां पहले से जख्म होता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी उसकी शाखें ज्यादा होंगी। बस नरम तबीयत और नरम गुफ्तगार बन जाओ, ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज्यादा हों। इलम अमल को आवाज देता है, अगर वो जवाब ना दे तो कूच कर जाता है। इंसान को बोलना सीखने के लिए 1 साल लगता है, मगर कौन सा लफ्ज कहाँ बोलना है ये सीखने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब तक कोई बात तेरे मुंह में बंद है तब तक तू उसका मालिक है, और जब जबान से निकाल दी तो वो तेरी मालिक हो गई। चराग की तरह जियो, जो बादशाह के महल में भी इतनी ही रोशनी देता है जितना किसी गरीब के झोपड़े में। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ताज्जुब है अल्लाह अपनी इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता, और मेरा तो एक ही अल्लाह है, मैं उसे भूल जाता। ना उम्मीद शख्स हर अच्छा मौका गंवा देता है, और पुर उम्मीद शख्स परेशानी में भी मौका तलाश कर लेता है। दूसरों की खुशी के लिए अपना गम छुपाना बहुत बड़ी नेकी है। मजाक की कसरत अक्सर दुश्मनी की वजह बन जाती है। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गरूर में रहोगे तो रास्ता भी नहीं देख पाओगे।
जो सपूत नमाज और कुरान में है वो और कहीं नहीं। अल्लाह जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा, इसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना, और जो तकदीर में लिख दिया है इसे मेरे लिए आसान कर दो, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।